अच्छा जी, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ केले का छिलका। तो आप लोग सोच रहे होंगे केले का छिलका क्यों लाई है, और साथ ही मेरे पास फटकड़ी, पीसी हुई फटकड़ी है, और साथ ही है रोज़ वाटर, और साथ ही पड़ा हमारा ब्यूटी वॉलेट का रिवाइटलाइजिंग सीरम। अच्छा, आपने करना क्या है? ये रेमेडी जो है ये स्पेशली ओपन पोर्स के लिए, आजकल का जिस तरह का वेदर है, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो आपको मैं दो टाइप्स की रेमेडीज़ दूंगी जो आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आपने करना क्या है। आपने केला लेना है, केले के छिलके पे हल्का सा रोज़ वाटर कर लेना है, और रोज़ वाटर करने के बाद आपने डालनी है उस पर फटकड़ी। इस तरह से फटकड़ी जो है आपने स्प्रिंकल कर लेनी है सारे केले पर इस तरह। और ये रेमेडी जो है ये आपकी ओपन पोर्स के लिए भी बेस्ट है, आपकी एक्नी के लिए भी बेस्ट है, और उनके लिए भी बेस्ट है जो लोग थ्रेड करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, उसके बाद भी इसको जो है अपने फेस पर रब कर सकते हैं। अब आपको मैं दोनों के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमारे क्लाइंट का फेस है, एक साइड पर जो है मैं इसको केला रब करा रही हूँ, और ये जैसे ये एक साइड पर अपने फुल फेस पर केला रब करेंगी, नोज़ वाली साइड पर भी आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं ये वो भी आपके रिमूव होंगे इससे, और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हेल्दी भी हो जाएगी और शाइन भी आएगी। और इनकी दूसरी साइड पर जो है मैं रिवाइटलाइजिंग सीरम जो है वो मैंने कॉटन पर अप्लाई किया और वो लगा रही हूँ, और ये हेयर्स जो हैं ये भी साथ ही लगा रही हूँ, और आप देखेंगे कि किस स्किन जो है वो लिफ्ट हुई है, और स्किन जो है वो टाइट भी हुई है, ओपन पोर्स भी कम हुए हैं। और इसकी एप्लीकेशन आप इसके ऊपर दोबारा भी कर सकते हैं, एक बार ड्राई होने के बाद आप इसको दोबारा भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है या ओपन पोर्स हैं या स्कार बहुत ज़्यादा है, तो आप ब्यूटी वॉलेट का जो है वो रिवाइटलाइजिंग सीरम जो है वो दोबारा से भी उसकी एप्लीकेशन कर सकती हैं। और दूसरी साइड पर हमने केला अप्लाई किया था, वो स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट हुई है, और साथ ही साथ आप इस साइड पे जो है वो ग्लो चेक कर सकते हैं, कुछ अलहदा से ही ग्लो है। ऑब्वियसली ब्यूटी वर्ल्ड के प्रोडक्ट जो है वो मैजिकली रिजल्ट्स के साथ होती हैं। अभी मैं 2 मिनट भी नहीं हुए, और मैं अभी इसका जो है आपको हेयर भी दिखाती हूँ कि हेयर किस कदर ड्राई हुआ है और टाइट किया उसने स्किन को।